छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में एक घटना घटी। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग माइग्रेशन के लिए गए हुए थे, माइग्रेशन से वापस छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से आ रहे थे। ट्रेन में बैठे हुए थे, सामानों की अलग से पैसा की मांग रेलवे विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो लोग ले रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि हम रिजर्वेशन करवा के आ रहे हैं, सामान का पैसा हम नहीं देंगे। इसी तरह से रेलवे से हजारों की संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग यात्रा करते हैं। आइए देखें। दिहाड़ी कमाने के लिए मैं गया था हरियाणा, वहाँ से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आ रहा था अपने घर खेती किसानी के लिए। तो थोड़ा सा सामान रखा था अपना, उसी को देख कर ठीक है हमसे पैसा मांगा। बोला भारी सामान रखा है, चार्ज ज्यादा लगेगा तेरा। तो हमने बोला सर इतना सामान हम लोग को हरदम लाते हैं, कमाने तो धमकी देने लगा, अगर तू पैसा इसका पटाएगा नहीं तो तेरा को अंदर कर दूंगा। मेरे साथ दो गट्ठे कपड़े थे और उसमें बर्तन वगैरह था, उसको टीटी ने पकड़ कर मेरे आदमी को दो थप्पड़ लगा दिया। क्या यही हक है टीटी को कि गरीबों का हाथ खाने का? उसने कोई गलत सामान नहीं था। क्या बड़ा लोगों का हक है ट्रेन में बैठने का? हमारा हक कोई नहीं बनता है क्या? जिसके पास बड़ा आदमी के पास जो 5-6 बैग रहता है उसको आराम से चढ़ा कर ले जाते हैं और मेरे पास एक गड्ढा नहीं जा रहा है। इसी प्रकार की हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ कोई घटना घटती है तो विरोध जरूर करें, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे आदिवासियों को विरोध देखने वाले श्रोताओं से मैं अपील करती हूँ कि मदद करें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।